तो दोस्तों फाइनली हमारे यहाँ पे द आइकॉनिक बाइक हस्क्वर्ना का विटपिलन 250 आ चुका है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसी बाइक का एक छोटा सा टेस्ट राइड रिव्यू और कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू दूंगा और मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज देख लेते हैं कि नया हस्क्वर्ना विटपिलन 250 में क्या कुछ दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजित। और अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से बने रहिए और बंगाल राइडर फैमिली का एक बहुत अटूट हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विटपिलन जो है ये एक स्वीडिश कंपनी है और बजाज और KTM के साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने इंडिया में आया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो मॉडल्स आता है, एक विटपिलन और एक स्वार्टपिलन यानी कि SVART स्वार्टपिलन। तो ये एक कैफे रेसर मॉडल है और स्वार्टपिलन जो है वो टूरर है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जितने भी सारे अंडरपिनिंग्स है, जितने भी सारे इसके पार्ट्स है, मैकेनिकल चीज़ें हैं और जो टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें यहाँ पे KTM ड्यूक 250 से लिया गया है। और काफ़ी कुछ यहाँ पे इंजन पे आपको ट्विक्स मिलेगा क्योंकि पावर यहाँ पे अभी लगभग आपको 2 BHP ज़्यादा मिलेगा KTM ड्यूक 250 से। और प्राइस जो है ये अराउंड KTM 250 ड्यूक से 20,000 रुपीस कम है। तो दोस्तों आप यहां पे देख पाएंगे जो इंजन है ये वही इंजन है जो डोमिनार 250 और KTM ड्यूक 250 में यूज़ होता है। 250 cc का यहां पे इंजन और विटपिलन का ब्रांडिंग भी आप यहां पे देख सकते हैं। H यानी कि हस्क्वर्ना का भी ब्रांडिंग आप यहां पे देख लेंगे। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ये जो बाइक है इसे चलाने का एक थोड़ा सा मौका मिला था और एक क्लोज डोर कंपाउंड में मैंने इसे चलाया क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के वजह से इसे मैं बाहर लेकर नहीं जा पाया। तो आप देख सकेंगे दोस्तों कितने यहाँ पे मिनिमलिस्टिक बॉडी वर्क के साथ ये बाइक कम्प्लीटली यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अपना टेस्ट राइड का जो एक्सपीरियंस हो वो मैं आप लोगों से सबसे पहले शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद रिव्यू में जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ ये टेस्ट राइड करके, क्योंकि एक तो है ये बहुत ही एक स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन की गाड़ी है और कैफे रेसर होने की वजह से काफ़ी हद तक झुक के आपको ये गाड़ी को चलाना पड़ता है। ब्रेकिंग बहुत अच्छा है और एक्सेलरेशन जो है ये बेसिकली टॉप ऑफ द क्लास एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया गया है। बस आप एक्सेलेटर घुमाते ही बाइक आगे दौड़ता रहेगा। तो अगर आप हाईवे राइड्स करते हैं और ओपन रोड्स में ज़्यादा चलाते हैं तो इस तरह के जो बाइक्स हैं इसमें रॉ पावर का जो फीलिंग है ये हस्क्वर्ना विटपिलन में आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों ये जो छोटा सा कंपाउंड था इसके अंदर मैंने चलाया तो बहुत कुछ यहाँ पे मुझे ज़्यादातर टेस्ट करके नहीं देख पाया क्योंकि ओपन रोड्स नहीं था, क्योंकि तो ये शॉर्ट कंपाउंड था इसीलिए मुझे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। लेकिन जितना हो सका उसके हिसाब से उसके दौरान मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया बाइक है। और अगर आपके हाइट 5.5 feet से कम है तो ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि पैर नीचे तक पहुँचते नहीं हैं। अदरवाइज़ द बाइक इज़ वेरी गुड। अगर आपके हाइट 5 feet 6 से ज़्यादा यानी कि 5.5 feet से ज़्यादा है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस बाइक को चला पाएंगे। स्मूथनेस बहुत अच्छा है, ड्यूक से ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्मूथनेस महसूस हुआ। और अगर बात करें यहाँ पर हम कम्फर्ट की तो राइडिंग पोजीशन कैफे रेसर के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है और आपको एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन मिल जाता है। तो राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा था और अगर आप रेस वगैरह करते हैं और हाई स्पीड्स में चलाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये स्विचेबल ABS है, आप अपने ABS को ऑफ भी कर सकते हैं और या फिर ऑफ ना भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग भी मुझे यहाँ पर टॉप नॉच लगा है। तो दोस्तों आते हैं यहाँ पे रिव्यू पर और वॉक अराउंड और फर्स्ट इंप्रेशन पर। तो हेडलैम्प पर देखें तो हेडलैम्प पे यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग दिया गया है और फुल LED यहाँ पे आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। फुल DC कनेक्शन पर ये काम करता है और देखने में ये बहुत ही मस्त लगा, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और साइड में आप देख सकेंगे कि यहाँ पे फिक्स टाइप LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं और ये फुल्ली DC कनेक्शन पर काम करता है दोस्तों। और हेडलाइट का जो रोशनी ये मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा, पता नहीं रात के समय पे कैसा लगेगा लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया लगेगा। पीछे की तरफ जो बैकलैम्प है ये फुल्ली LEDs है और कोई भी यहाँ पे बल्ब सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। हेडलैम्प, बैकलैम्प और साइड इंडिकेटर्स सारी चीज़ें यहाँ पे LED दिया गया है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों क्वालिटी की तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है वो सारे आपको बजाज और KTM के ही स्पेयर पार्ट्स इसमें लग जाएंगे। तो स्पेयर पार्ट्स को लेकर यहाँ पे कोई भी दिक्कत और या फिर कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको बैकलिट स्विच गियर मिल जाता है और कैफे रेसर बिल्कुल ही फ्लैट हैंडल पर आपको यहाँ पे दिया गया है। मीटर कंसोल दोस्तों यहाँ पे बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा मीटर कंसोल यहाँ पे आता है। इसमें आपको ड्यूक जैसा ही सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि किल स्विच का इंडिकेशन दिया गया है, ट्रांसपोर्ट लॉक यहाँ पे लगा हुआ है, साइड स्टैंड दिया गया है और गियर पोजिशन इंडिकेटर, इंजिन टेम्परेचर, लो फ्यूल, ट्रिप में जितना टाइम लगता है,
ट्रिप वन टाइम, ट्रिप टू टाइम, फ्यूल रेंज दिया गया है, दो ट्रिप मीटर्स आते हैं और स्विचेबल ABS यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ये जो आप रोड देख सकते हैं ये बेसिकली स्विचेबल ABS है, यानी कि अगर आप चाहे तो पीछे की ABS को ऑफ करके सुपर मोटो मोड में भी अपने बाइक को चला सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ABS इंडिकेटर, इंजन वार्निंग लाइट, न्यूट्रल, हाई बीम, ये सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ सर्विस ड्यू रिमाइंडर, क्लॉक और इन्फो, फ्यूल रेंज और सर्विस रिमाइंडर, ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों छोटे स्पेस के अंदर बहुत ही बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आता है और विटपिलन का ब्रांडिंग भी आपको हैंडल बार के ऊपर देखने को मिलेगा। आते हैं दोस्तों टैंक पर, तो 9.5 लीटर्स का यहाँ पे टैंक है और टैंक जो लिड है, फ्यूल टैंक लीड, उसको भी एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टच उसमें आपको मिल जाएगा गोल्डन पे, और साइड में आपको विटपिलन का ब्रांडिंग और हुस्क्वर्ना का ब्रांडिंग भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही एक मस्कुलर टैंक दिया गया और बहुत ही मिनिमलिस्टिक बॉडी वर्क आपको मिलेगा, क्योंकि बॉडी के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही एक हाइपर नेकेड आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी यहाँ पे बस यहाँ पे टैंक पे ही आपको देखने को मिलेगा, साइड में कहीं पर भी आपको कोई भी यहाँ पे बाइक की जो बॉडी है वो नहीं मिलेगा। सीटिंग दोस्तों यहाँ पे कंफर्टेबल है, बहुत ही लंबा यहाँ पे सीट दिया गया है और टैंक के ऊपर भी सीट एक्सटेंड होता है, और पीछे की तरफ बहुत ही अच्छी बात मुझे ये लगा कि एक ग्रैब रेल दिया गया है ताकि पिलियन उसको पकड़ के सख्त पकड़ के बैठ सके, और पीछे की तरफ भी आपको 250 का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। साइड से आप देख लीजिए दोस्तों, बस इसके थोड़े से साइड पैनल पे और फ्यूल टैंक पर आपको बॉडी जो है एक यूनिबॉडी डिज़ाइन दिया गया है, सिर्फ एक पैनल इस साइड पे और एक पैनल उस साइड पे यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक बॉडी वर्क इसका है। और लुक्स की बात करें दोस्तों, तो इंडियन मार्केट में इस तरह के लुक्स अभी तक इस रेंज की प्राइस में और कोई भी यहाँ पे ला नहीं पाया जो हुस्क्वर्ना ने करके दिखाया है। और मीटर गन जो हेडलैम्प है वहाँ पे भी आपको हुस्क्वर्ना का ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आते हैं दोस्तों इंजन पे, तो ये एक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट का 248.8 सीसी का इंजन है, और यही इंजन डोमिनर 250 और ड्यूक 250 में यूज़ होता है दोस्तों। इसमें पावर दिया गया है 31 bhp एट 9000 rpm और टॉर्क है 24 न्यूटन मीटर्स एट 7250 rpm। इसमें स्लिपर क्लच लगा हुआ है दोस्तों और 6-speed गियरबॉक्स इसमें दिया गया है, और स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम जैसे कि ड्यूक में आता है उसी तरह का यहाँ पे स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आप देख सकेंगे यहाँ पे लगा हुआ है। इंजन में आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिलेगा, और BS6 ये मॉडल है, आप देख सकेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैन लगाया गया है जो कि एक्स्ट्रा कैटलिटिक कन्वर्टर, और नीचे आपको एक इंजन गार्ड भी छोटा सा मिल जाएगा। तो दोस्तों इंजन यहाँ पे बहुत ही दमदार है और ड्यूक 250 के इंजन से ये ज़्यादा ट्यून्ड है, क्योंकि पावर यहाँ पे लगभग 2 bhp के करीब ज़्यादा है, और इंजन के जो rpm है वहाँ पे भी यहाँ पे ट्यूनिंग हुआ है, ECU का भी ट्यूनिंग हुआ है, तो ड्यूक से ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगा और वो मैं चला के महसूस किया हूँ। और स्लीपर क्लच होने की वजह से दोस्तों आप क्विक डाउनशिफ्ट कर पाएंगे, व्हील लॉक जो होता है उसके जो रिस्क होते हैं वो बहुत ही आपको कम आएंगे। ये आप देख सकेंगे दोस्तों, ये इसका रेडिएटर फैन है, एक्चुअली इसमें लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी आता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और माइलेज के हिसाब से आपको लगभग यहाँ पे 25-30 किलोमीटर्स पर लीटर यहाँ से मिलने चाहिए। तो दोस्तों ये एक फर्स्ट इंप्रेशन है, तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं ये रफली आपको कह सकता हूँ। सामने की तरफ आपको अपसाइड डाउन 43mm के फॉक्स मिलते हैं, और ये वर्ल्ड फेमस ब्रांड WP की तरफ से है, और पीछे भी आपको WP के ही सस्पेंशन मिलते हैं जो कि बिल्कुल ही आपको ड्यूक में भी मिलता है। आप देख सकेंगे पीछे एक छोटा सा कवर दिया गया है धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए, बाकी आपको 10-step एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन पीछे की तरफ मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ट्यूबलेस टायर्स, ड्यूअल चैनल ABS और दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स आते हैं, आपको दोनों ही तरफ 17 इंचेस के ट्यूबलेस MRF रेडियल टायर्स मिलते हैं जो कि MRF रेवजी के टायर्स है, और फ्रंट की तरफ आपको 110x70 साइज का टायर देखने को मिलेगा। फ्रंट की तरफ आपको 320mm का 4-piston कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और ABS की रिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे ABS की रिंग दिया गया है। और टायर्स पर आपको रिम स्टिकर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे विटपिलन का ब्रांडिंग किया गया है जो कि एक बहुत ही प्रीमियम सा टच इस व्हील को दे देता है। और देखेंगे आप दोस्तों कि जो यहाँ पे अलॉय पैटर्न है ये भी बहुत ही यहाँ पे बेसिक रखा गया है ताकि बहुत ज़्यादा इसका कॉस्ट ना हो जाए। दोस्तों पीछे की तरफ आपको 150x60 का साइज का टायर मिलेगा और 230mm का सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक मिल जाएगा जिसमें ABS भी दिया गया क्योंकि यहाँ पे डुअल चैनल ABS आता है। और ये ABS बेसिकली दोस्तों स्विचेबल ABS है, पीछे की ABS अगर आप चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं जो कि ऑफ रोडिंग में ज़्यादा मदद करता है। और बॉश का ABS यहाँ पे यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास ABS ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस आपको दे देगा क्योंकि बॉश का जो क्वालिटी है बॉश कंपनी का ये बहुत ही बढ़िया है और ABS बनाने में ये मशहूर है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकेंगे एग्जॉस्ट का डिज़ाइन, ये बेसिकली ड्यूक का ही एग्जॉस्ट मुझे लगा जिसमें हुस्क्वर्ना का ब्रांडिंग यहाँ पे किया गया है।
इसी के साथ साथ दोस्तों दोनों ऑपोजिट साइड्स में यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स माउंट किया, यानी कि आपको क्रॉस ब्रेकिंग का सुविधा मिल जाएगा। और एक्स रिंग का यहाँ पे चेन है, ओरिंग का नहीं, एक्स रिंग का यहाँ पे चेन लगाया गया है, जिसमें ज़्यादा बड़ा आपको स्प्रॉकेट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ साथ 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और 835 mm का सीट हाइट मिलता है, जो कि ज़्यादातर 5.5 feet से 6 feet के हाइट के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। और ड्राई वेट जो है, यानी कि बिना फ्यूल का जो वेट है, ये 153 kgs है। टॉप स्पीड आपको लगभग यहाँ पे 150 से 160 किलोमीटर्स के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक्स शोरूम कोलकाता की इसकी जो प्राइस है, ये 1.80 लाख है, यानी कि 1,80,000। तो दोस्तों आपको ये बेसिकली जो ये वीडियो था, ये एक फर्स्ट इंप्रेशन था और छोटा सा एक राइड का था। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और जैसे ही स्मार्ट बिलिंग यानी कि इसका टूटर आ जाएगा, मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा। तो दोस्तों यही था रिव्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑलवेज राइड सेफ।